दोस्तों, किसी भी खेल में अंपायर यानी कि निर्णायक की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि यही खेल का सबसे बड़ा नियम होता है कि खेल में ईमानदारी होनी चाहिए और ईमानदारी के लिए चाहिए ईमानदार अंपायर। बिली बॉर्डन का अजीबो गरीब अंपायरिंग स्टाइल हो या स्टीव बकनर का बेईमानी वाला रवैया, न जाने कितने महत्वपूर्ण लम्हे अंपायर की भूमिका से बंधे हुए हैं। दोस्तों, आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में तो जानते हैं, जैसे धोनी के पास कितनी बाइक है, विराट कोहली के पास कितना पैसा है, केएल राहुल ने अपनी शादी में कितने करोड़ों का खर्चा किया, लेकिन आपने कभी इस बात पर विचार किया होगा कि क्रिकेट के एक मैच में अंपायरिंग करने के लिए अंपायर को कितने पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर को कितनी सैलरी मिलती है और ये एक मैच के लिए कितनी फीस लेती है। नंबर 5, ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड। दोस्तों, ये क्रिकेट की दुनिया के कैप्टन अमेरिका है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की तरह इनके पास भी एक शील्ड होती है। 61 वर्षीय ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड तब से सुर्खी माने लगे जब 2015 में उन्होंने मैदान में अपनी सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाते हुए अपने साथ एक शील्ड रखना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। वैसे इन्होंने जनवरी 2021 से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के घरेलू मैदान में आज भी दिखाई देते हैं। अंपायर ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं और ये आईपीएल के एक मैच अंपायरिंग करने के लिए 1.75 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अंपायर ब्रूस की सालाना कमाई की बात करें तो ये 25 लाख रुपए की सालाना कमाई सिर्फ इंटरनेशनल मैचों से किया करते थे। नंबर 4, पॉल राइफल। दोस्तों, पॉल ने 2009 से क्रिकेट अंपायरिंग का सफर शुरू किया था। ये ऑस्ट्रेलिया अंपायर हैं। इनकी इंटरनेशनल मैच फीस की बात करें तो पॉल एक टेस्ट मैच के लिए 3.70 लाख रुपए चार्ज करते हैं और एक ओडीआई मैच में अंपायरिंग करने के लिए 2.22 लाख रुपए चार्ज करते हैं और टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए पॉल लगभग 1.10 लाख रुपए मैच के हिसाब से चार्ज करते हैं। नंबर 3, नितिन मैनन। दोस्तों, नितिन मैनन एकमात्र भारतीय अंपायर है जो आईसीसी की अंपायर सिलेक्ट में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश की ओर से लिस्टेड बल्लेबाज के तौर पर अपना जलवा बिखेर चुके नितिन मैनन ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अंपायरिंग की शुरुआत करने के बाद 2017 में इंटरनेशनल अंपायरिंग में कदम रखा था और ये एक इंटरनेशनल टेस्ट मैच के लिए लगभग 3.78 लाख रुपए चार्ज करते हैं और एक ओडीआई मैच के लिए 2.27 लाख और टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए 1.13 लाख रुपए पर मैच फीस के रूप में चार्ज करते हैं। नंबर 2, आलिमदार। आईसीसी के सबसे सफल अंपायर में से एक आलिमदार 5-5 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर चुके हैं। ये मूल रूप से पाकिस्तानी हैं। इन्होंने 2008 से 2014 के दौरान आईपीएल में भी अंपायरिंग की है, जहां आलमदीर सिर्फ 38 मैचों के लिए 66 लाख से ज्यादा फीस ले चुके हैं। आलमदीर की सालाना कमाई की बात करें तो ये सालाना 31 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करते हैं। नंबर 1, कुमार धर्मसेना। इन्होंने साल 2012 और 2018 में आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया था। ये मूल रूप से श्रीलंकन है। कुमार धर्मसेना इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी सटीक अंपायरिंग की वजह से विश्व के सबसे अनुभवी अंपायरों में से एक हैं और ये दुनिया भर की कई क्रिकेट लीग में भी अंपायरिंग कर चुके हैं। दोस्तों, कुमार धर्मसेना एक इंटरनेशनल टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने के लिए 3.5 लाख रुपए लेते हैं और एक दिवसीय मैच के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं और वहीं टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में भी ये एक मैच के लिए 1 लाख से ज्यादा ही फीस लेते हैं और आईपीएल के एक मैच अंपायरिंग करने के लिए ये 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अंपायर जो इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने के लिए इतना पैसा चार्ज करते हैं, जितना तो किसी खिलाड़ी को भी नहीं मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।